टॉप कैटेगरी की गाड़ी है। ये गाड़ी आज आप ख़रीदने जाते हो तो 13 लाख में भी किया कैरेंस है, 20 लाख में भी किया कैरेंस है। 13 लाख वाली जो किया कैरेंस आती है वो बेस मॉडल है, प्रीमियम। प्रीमियम मॉडल लेने के बाद इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी ने आपको नहीं दी है, तो प्रीमियम यानी कि बेस मॉडल को प्रीमियम प्रो में हमने मॉडिफाई किया है। इसको ऐसा अपग्रेडेशन हमने दिया है जो टॉप मॉडल में भी आपको देखने को नहीं मिलता है। DRL जो इस गाड़ी की पहचान है आगे की, ये गाड़ी में नहीं लग के आती है, तो DRL हमने इसमें इंटीग्रेट की है। बट खास बात है इसका इंट्रोडक्शन जो हमने देखा है कि जब ये ऑन होती है तो किस तरीके से ऑन होती है। हैलोजन बल्ब को रिप्लेस करके ओसराम के 100 वॉट्स की LED आती है जो जेन्यून आती है। बाकी मार्केट में काफ़ी चाइनीज़ ब्रांड्स हैं 200 वॉट 300 वॉट, बट ओसराम का जो 100 वॉट है वो पावर आपको ज़्यादा देगा एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर चाइनीज़ LED। इसका रोड पे थ्रो एंड फोकस हम लोग देख सकते हैं। एलॉय व्हील ये गाड़ी में नहीं लग के आते हैं। टायर आते हैं वो बहुत छोटे आते हैं, 15 इंच के आते हैं। 16 इंच डायमंड कट एलॉय जो किया के जेन्यून है हमने ये गाड़ी में इंटीग्रेट की है। बट इसकी खास बात है ये 5 ब्लेड्स 1, 2, 3, 4 इन 5 ब्लेड्स जो ये इसके अंदर आते हैं, ये डिज़ाइन आपको टॉप मॉडल में भी देखने को नहीं मिलता है। इस डिज़ाइन का लुक देख सकते हैं। ये अलॉय व्हील लगने के बाद जो मेरी गाड़ी की रोड प्रेजेंस है आप लोग देख सकते हैं, एंड जेन्यून होने की वजह से मेरे को इसके लोगो में कोई भी प्रकार की ऑल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती है। एंड जेन्यून जो है बॉडी से एकदम फिट आते हैं। 215/16 R16 16 इंच के प्रोफाइल के साथ ये अलॉय व्हील का लुक हम लोग देख सकते हैं। साइड स्टेप्स भी हमने लगाई है, बट इट इज़ द डिज़ाइनर साइड स्टेप। इट्स द ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन विद द ग्रे हाईलाइट। इसका गेटअप आप लोग देख सकते हैं। 2-टोन हमने किया है गाड़ी को, वाइट गाड़ी है, बट जो इसकी रूफ है जिसका राइट एंड लेफ्ट सेक्शन है ब्लैक PPF से हमने कोट किया। रूफ रेल्स हमने लगाई है एज इट कम्स इन द टॉप मॉडल। शार्क फिन एंटीना हमने लगाया है जो किया का जेन्यून आता है, जो टॉप मॉडल में लग के आता है। बट धमाका है इसके इंटीरियर में, किस तरीके से द एलमंड कलर इंटीरियर हैज़ बीन डन इन द कार विद द टॉप गियर ब्रांड सीट कवर्स। यू कैन जस्ट सी द फिटमेंट एंड द फिनिशिंग ऑफ दिस सीट कवर्स विथ 1, 2, 3, 4 एंड 5 कुशनिंग जोन्स। ये सीट कवर्स की फिटमेंट देख सकते हैं। डैशबोर्ड को भी हमने लेदर रैपिंग की है इन द 2-टोन। मेरा ऊपर कंपनी ने लेदर ऑलरेडी दिया है ब्लैक कलर का, इस ब्लैक के साथ जब हम एलमंड कलर का लेदर लगाते हैं। जो म्यूज़िक सिस्टम का मेरा फ्रेम है वो हाई ग्लॉस पियानो ब्लैक आता है। पूरा पियानो ब्लैक मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि उस पर हाथ लगेंगे, दाग आ जाते हैं, स्क्रैचेस आ जाते हैं। लेदर विथ पियानो इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। दरवाज़ों में हमने लेदरिंग का वर्क किया हुआ है इन द एलमंड कलर, बट इसकी भी जो स्टिचिंग है इसकी फिटमेंट एंड फिनिशिंग हम लोग देख सकते हैं। एम्बियंट लाइट इसके डैशबोर्ड पे एंड चारों दरवाज़ों पे हमने इंटीग्रेट की है विच गिव्स अ ब्यूटिफुल एटमोसफियर इन साइड द कार। सी द लग्जूरियस लुक दोस्तों। ये लग्जरी नहीं है तो क्या है, क्योंकि ये लेदर रैपिंग, ये एम्बियंट लाइटिंग टॉप मॉडल में भी आपको देखने को नहीं मिलती। कैरेंस की वेलकम प्लेट है, ओपन द डोर कैरेंस नेम एंड इल्यूमिनेशन। पावर रखने वाली मैटिंग भी जो है टॉप गियर ब्रांड की आती है, 70 मैट। नो नीड टू डू द लेमिनेशन इफ़ यू आर इंस्टॉलिंग दिस मैट। पाँव इसके ऊपर रखना है, कचरा जमा हुआ, द अपर लेयर इज रिमूवेबल एंड डिटैचेबल। ORVMs जो गाड़ी में लग के आते हैं वो बेसिक आते हैं। ORVMs भी रिप्लेस करके हमने लगाए हुए हैं जो लॉक करने पे फोल्ड होते हैं एंड अनलॉक करने पे ओपन होते हैं। इसका भी वर्किंग ऑपरेशन आप लोग देख सकते हैं। पत्रे पे जो इंडिकेटर थे, द साइड वेंट्स हैव बीन एडेड विच इज़ गिविंग अ बुलेट फॉर्मेट टू द कार। एंड स्टेयरिंग एंड क्रूज़ ऑडियो कंट्रोल भी गाड़ी में नहीं लग के आते हैं। क्रूज़ कंट्रोल सर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, स्टेयरिंग कंट्रोल्स हमने इसके अंदर ऐड किए हैं विथ वॉल्यूम प्लस माइनस नेक सॉन्ग बैक सॉन्ग विच इज़ एडेड इन योर ओरिजिनल स्टेयरिंग। रिमोट भी गाड़ी में नहीं लग के आता था, तो रिमोट ऑफ द कार हैज़ ऑल्सो बीन कन्वर्टेड टू द फ्लिप की।
किया कैरेंस का प्रीमियम मॉडल ले करके जब उसको प्रीमियम प्रो में हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ये डोर वाइज़र जिसमें ब्लैक के ऊपर क्रोम लाइन है, ये क्रोमिंग वर्क ऑन द विंडो जो हमने किया हुआ है, एक एक चीज़ का लुक हम लोग देख सकते हैं। टच स्क्रीन भी जो ये गाड़ी में हमने लगाया है नेट प्ले कंपनी का, द 10.1 इंच स्क्रीन, द बिग स्क्रीन विद द मदरबोर्ड मेड इन जापान, जिसमें फ्रंट कैमरा कम डैश कैम इसी प्लेयर के अंदर इंटीग्रेट होता है। रात के समय में इसकी क्लैरिटी देख सकते हैं क्या है, विथ ऑफलाइन मैप यानी कि बिना इंटरनेट के भी रास्ता दिखाने का जो सिस्टम है इसके अंदर आता है। एंड ड्यू टू द जैपनीज इंटरफेस इसमें कोई भी प्रकार की लैडिंग एंड लोडिंग हमको नहीं मिलती है। किस तरीके से 36 वीडियो सॉन्ग्स इसमें इन बिल्ट आते हैं जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऑफलाइन मैप्स का भी जो इंटरफेस है, अभी यहाँ से मुझे पनवेल जाना है, जस्ट मुझे पनवेल टाइप करना है, मेरे को कोई नेट देने की ज़रूरत नहीं है। इसका यूज़र इंटरफेस कितना फास्ट है आप लोग खुद देख सकते हैं कि माय लोकेशन टू पनवेल 20 मिनट 23 किलोमीटर का रास्ता एक्सेप्ट मैंने किया, ये मेरा नेविगेशन चालू। किस तरीके से ये प्लेयर हमने ग्लॉसी ब्लैक फ्रेम में इंटीग्रेट किया है, रिवर्स कैमरे की क्लैरिटी आप लोग देख सकते हैं, नाइट का टाइम है, फ्रंट कैमरा भी हमने इंटीग्रेट किया। सो एक बार फिर से कैरेंस का एक बेहतरीन मॉडिफिकेशन आप लोगों के सामने है। डैम्पिंग का वर्क करना ज़रूरी है क्योंकि ये गाड़ी में होल्स बहुत आते हैं, तो डैम्पिंग होने से सारे होल्स सील हो जाते हैं। एंड हर्ट्स के स्पीकर्स के साथ इसके ऑडियो को हमने अपग्रेड किया है। ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए एंड सर से भी हम आपको मिलाएंगे। ड्राइव किया कैरेंस जिसको एक प्रीमियम मॉडल से प्रीमियम प्रो में हमने अपग्रेड किया है। बढ़िया ख़ास बात गाड़ी की है इसके अलॉय व्हील, क्योंकि जो डिज़ाइन है ये 5 ब्लेड्स का, ये सीट कवर, ये DRL, ये LED बल्ब, ये वाइट एंड ब्लैक लुक, ये सब चीज़ें जब एक साथ लगती हैं तो ये कैरेंस टॉप मॉडल से भी बढ़िया दिखती है। तुषार जी हमारे साथ में हैं जिनकी गाड़ी को हमने अपग्रेड किया है, हम सर का वेलकम करते हैं। मैडम है साथ में, मैडम का भी हम वेलकम करते हैं। कैसी गाड़ी सर शोरूम से आई थी और जो इसको हमने अपग्रेड किया है? सर आए थे एक दिन एस्टीमेट लेके गए कि रोहित जी बेस मॉडल में क्या क्या हो सकता है, मैंने पूरी लिस्ट बना के दी, गाड़ी डिलीवरी ली, अगले दिन बोले कि सर मैं आपके पास आने वाला हूँ, क्या चीज़ है क्या नहीं, कोई चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हमको नहीं करना है। कैसी गाड़ी सर अपनी हो गई है, क्या बोल? थैंक यू वेरी मच एंड आई अप्रिशिएट व्हाट रोहित भाई हैज सेड एंड इट हैज़ बीन मेड एलिगेंटली, वेरी नाइसली, एकदम बेस मॉडल था, कुछ भी नहीं था एंड नाउ इफ़ यू विल लुक यू विल सी दैट द डिफरेंस, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाई। आई रियली रिकमेंड हुएवर वॉन्ट्स टू गो फॉर अ हायर वर्जन बाय लोअर वर्जन एंड कम टू रोहित भाई, ही विल मेक योर कार एब्सोल्युटली फाइन एंड हेल्दी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ये खुशी ज़रूरी होती है, पैसा तो आपको हर जगह खर्चा करना है, सर ने इंटरेस्ट लिया है, उससे ज़्यादा मैडम ने भी इंटरेस्ट लिया है, 2-3 बार मेरे को कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा हमको करना है। कैसी हो गई मैडम गाड़ी? इट वॉज लवली, पूरी गाड़ी का लुक चेंज हो गया है, वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड। एक अर्टिगा वाली आए थे मैडम आज, उनकी कैरेंस आने वाली है, उन्होंने मेरे को बोला यार ये इनकी स्लिप का फोटो दो मेरे को, आएंगी और बोलेंगे ऐसा ही कर दो उसे। इतना लोगों को मतलब पसंद आया, पसंद आया वेरी। आपके सामने नहीं क्या अर्टिगा वाले जो कोल्हापुर से आए थे, बोले उनकी हमारी कैरेंस भी आने वाली है, लिस्ट का फोटो दे दो खाली। कैसी हो गई मैडम, म्यूजिक सिस्टम वगैरह कैसा बज रहा है? इट वाज सुपर्ब, वेरी नाइस। किया कैरेंस प्रीमियम जिसको हमने मॉडिफाई किया, डेफिनेटली लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।